Hello guys, welcome to Study for Civil Services. Today is 26th of June 2019 and guys, current affairs का ये lecture आप लोग देख रहे हैं. इस lecture को exclusively Civil Services Examination को ध्यान में रखते हुए prepare किया गया है. तो आप में से जो भी UPSC Civil Services या फिर किसी भी State Civil Services Examination की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. गाइज यहाँ पर हम लोग मल्टीपल सोर्सेज की न्यूज़ को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मैन, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को कवर करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको भी डिस्कस करते हैं. प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि डाउन टू अर्थ, ईपीडब्ल्यू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं. सो गाइज ये लेक्चर आप लोग को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, तो यहाँ पर जो भी न्यूज़ को, करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में होती हैं, जिनसे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है. प्लस गाइस जो भी कंसेप्चुअल न्यूज़ होती हैं उनसे रिलेटेड मैं आपके कंसेप्ट जो है वो पूरे अच्छे से क्लियर करता हूं, और साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों को न्यूज़ में से क्या-क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है वो भी मैं आपको बताता हूं. और न्यूज़ में जो भी स्टैटिक पोर्शन आता है या फिर मैं बोलूं जनरल स्टडी से रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं उनको भी हम लोग अच्छे से कवर करते हैं. सो गाइज डेली बेसिस पर कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है. तो फटाक से नीचे जो लाइक का बटन दिया गया है इस लाइक के बटन को हिट कर दीजिए, और चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन पर आपने हिट किया है कि नहीं, बिकॉज अगर आप इन दोनों बटन पर हिट करेंगे तो हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी. गाइज इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल हैं, जहां पर आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज की, प्लस आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है और वहां पर समय समय पर टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं. तो इन दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनके यूज़र नेम्स यहाँ पर मौजूद हैं. इन यूज़र नेम्स को टेलीग्राम एप्लीकेशन पर सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को, जहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलता है और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. दोस्तों स्टार्ट करेंगे सबसे पहली न्यूज़ से, तो यहाँ पर बात की जा रही है मिरेकल प्लांट के बारे में. तो गाइज इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं. तो पहले ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से मैं आप लोग को बता दूं कि ये मिरेकल प्लांट जो है उस प्लांट का असली नाम बताया जा रहा है आरोग्य पाच. आरोग्य पाच नाम का एक प्लांट है जिसको मिरेकल प्लांट बोला जा रहा है, और ये आरोग्य पाच जो है वो अगस्त्या हिल्स पर पाया जाता है, ये पर्टिकुलर प्लांट की स्पीसीज. और अगस्त्या हिल्स कहाँ पर है, तो ज्योग्राफिकली यू शुड नो द लोकेशन ऑल्सो. तो ये तमिलनाडु और केरला के बीच में लोकेटेड है. तो अगर ऑप्शन में आता है अगस्त्या हिल्स जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, और अगर ऑप्शन में तमिलनाडु या फिर केरला दोनों में से एक आता है तो यू शुड टिक ईदर ऑफ देम. और या फिर अगर वेस्टर्न घाट्स लिखा हुआ है तो आप वेस्टर्न घाट्स पे क्लिक करेंगे, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स की जो हिल्स हैं उनका ये हिस्सा है अगस्त्या हिल्स, और यहीं पर ही ये आरोग्य पाच नाम का प्लांट जो है वो पाया जाता है जिसको मिरेकल प्लांट भी बोला जाता है. समझ में आया इतनी बात? तो अब देख लेते हैं गाइस इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं. तो बताया जा रहा है इट इज़ नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल यूज़ बाय कनी ट्राइबल कम्युनिटी. कनी ट्राइबल कम्युनिटी इस आरोग्य पाच का उपयोग करते हैं. और क्यों उपयोग करते हैं ये? तो ये अपनी वीकनेस को, अपनी फटीग को दूर करने के लिए इस प्लांट का उपयोग करते हैं. राइट तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि कनी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो अगस्त्या हिल्स पे रहती हैं और अगस्त्या हिल्स से बिलोंग करती है, और अगस्त्या हिल्स की लोकेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर टॉपिक से दो तीन प्रिलिम्स के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, तो यू शुड अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. राइट और इस प्लांट की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं इस पर्टिकुलर प्लांट की, और कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इवन ये एंटी ट्यूमर भी है यानी कि कैंसर को दूर कर सकता है. एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर देखने को मिली है, तो डायबिटीज को खत्म करने के लिए भी इस प्लांट का उपयोग होता है. और वीकनेस की तो बात हमने देखी ली कि कनी ट्राइबल कम्युनिटीज को अपनी वीकनेस को, फटीक को दूर करने के लिए यूज करते हैं. और भी कई सारी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, एंटी अल्सर है, अल्सर होता है कि कुछ लोगों को, तो ये प्लांट को कंज्यूम करने के बाद उनका अल्सर जो है वो खत्म हो सकता है. एंटी हाइपरलिपिडेमिक, हेप्टोप्रोटेक्टिव, और इसके अलावा कई सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है, यानी कि सुबह सुबह जैसे कि हम लोग अपनी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ग्रीन टी वगैरह पीकर, राइट, तो इस प्लांट की पत्तियों का भी उपयोग उस तरीके से किया जा सकता है डिटॉक्सिफिकेशन पर्पस के लिए. तो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टी भी है यानी कि इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकती है. तो वेरियस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है वो इस पर्टिकुलर आरोग्य पाच नाम के प्लांट पर हम लोग को देखने को मिल रही हैं. राइट तो ये प्लांट जो है वो अगस्त्या हिल्स पर पाया जाता है, याद रखिएगा. और अभी रिसेंटली न्यूज में हम लोग इसलिए देख रहे हैं बिकॉज साइंटिस्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के, उन्होंने इसकी जेनेटिक प्रॉपर्टीज को डिकोड कर दिया है, यानी कि इस प्लांट के अंदर से ये सब जेनेटिक प्रॉपर्टीज को निकाला है और पता लगा है कि ये इतनी सारी वेरियस प्रकार की डिजीज़ को, वेरियस प्रॉब्लम्स को, हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता है. गाइज इसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है आपको, वो है
ट्रिचोपस जिलानिकस, तो ये इसका साइंटिफिक नेम हम लोग को देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी, मिराकल प्लांट यानी कि आरोग्य पच से रिलेटेड। तो ये था गाइज ओवरऑल इसका पूरा टॉपिक। अब नेक्स्ट न्यूज़ में बात की जा रही है अंबुबाची मेला के बारे में। तो गाइज़ ये मेला जो है, ये फेयर जो है, वो कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, कहाँ पर ये मेला मनाया जाता है, किस पर्टिकुलर राज्य में, तो ये असम में। असम में ये अंबुबाची मेला जो है वो मनाया जाता है हर साल। और यहाँ पर गाइज़ कामाख्या देवी की पूजा की जाती है, कामाख्या टेम्पल है। ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है, तो ये असम में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये कामाख्या टेम्पल है, ये ओल्डेस्ट 51 शक्ति पीठ है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट 51 शक्ति पीठ में से, राइट, कामाख्या टेम्पल। तो ये इस यहाँ पर कामाख्या देवी जी का मंदिर है, कामाख्या माता को पूजा जाता है, तो उन्हीं के लिए ये अंबुबाची मेला जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, यहाँ पर पूजा की जाती है माता की, राइट। और कामरूप कामाख्या टेम्पल भी इस टेम्पल को जो है वो बोला जाता है, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। और यहाँ पर बोला जाता है कि हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज एनुअल मेंसुरेशन साइकिल जो होती है वो माता जी की यहाँ पर बताई जाती है, मदर गॉडेस कामाख्या की, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर इनको पूजा जाता है, राइट। तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और कामाख्या टेम्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और पहले भी इससे रिलेटेड कई सारे स्टेट सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस बताया जा रहा है कि कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली न्यू स्पेशल रेसिडेंसी स्कीम जो है वो लॉन्च करी है अपनी नॉन ऑयल रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए। तो गाइस ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया अपनी एट प्रेजेंट नॉन ऑयल रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए फोकस कर रही है, और एक इसने न्यू स्पेशल रेसिडेंसी स्कीम लॉन्च करी है। ये न्यू स्पेशल रेसिडेंसी स्कीम में जो है वो क्या है, तो ये देख लेते हैं गाइस। तो ये स्कीम ऑफर कर रही है परमानेंट रेसिडेंसी, यानी कि ये स्कीम बोल रही है कि जो नॉन रेसिडेंट हैं सऊदी अरेबिया के, वो 800,000 रियाल यानी कि $2,13,000 सबमिट करें, जमा करें, और परमानेंट रेसिडेंसी जो है वो अपनी हासिल कर लें सऊदी अरेबिया में। यानी कि ये पैसों से, यानी कि मॉनिटरी रेसिडेंसी जो है वो प्रोवाइड करा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू, राइट। और इसमें ये भी बोला गया है कि ना ही सिर्फ परमानेंट रेसिडेंसी बल्कि वन ईयर की रेसिडेंसी भी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जो कि रिन्यूएबल हो सकती है, और उसके लिए $27,000 पे करने पड़ेंगे, यानी कि 100,000 रियाल्स, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर बोली जा रही। तो इस प्रकार से ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके लोग अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया की परमानेंट रेसिडेंसी जो है वो हासिल कर सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंसी से को हासिल करने से क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई सारे जो अरब्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वेल्दी अरब जो कि सऊदी अरेबिया में रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं, वो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, बट इनके पास परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है। परमानेंट रेसिडेंसी नहीं यानी कि सऊदी अरेबिया की कई सारी स्कीम्स जो है वो इनको नहीं मिल पाती, यानी कि सऊदी अरेबिया की डोमेस्टिक स्कीम्स वगैरह। तो इस प्रकार से परमानेंट रेसिडेंसी जो है वो इनको मिल पाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि काफ़ी समय से बिजनेस कर रही हैं सऊदी अरेबिया के साथ, और कई सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि इन्वॉल्व होना चाहती हैं लॉन्ग टर्म के लिए सऊदी अरेबिया के साथ, तो उनको भी इस पर्टिकुलर न्यू स्पेशल रेसिडेंसी स्कीम से फ़ायदा होगा। तो ये अपनी नॉन ऑयल रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए फोकस कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और वेरियस सेक्टर में ग्रोथ जो है वो हो सके सऊदी अरेबिया में, बिकॉज सऊदी अरेबिया गाइस आप जानते हैं कि ऑयल के लिए जाना जाता है, वो ऑयल रिजर्व है इसके पास, ऑयल एक्सपोर्ट करता है वेरियस कंट्रीज़ में। तो ये क्या सोच रहा है आज की डेट में, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स में ये इन्वॉल्व हो सके, डिफरेंट वेरियस सेक्टर्स में, और ये इन्वॉल्व जब ही हो पाएगा जब बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे और उनको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी और वो अपना परमानेंट बिजनेस जो है वो सऊदी अरेबिया में शुरू कर पाएंगे, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर वेल्दी अरब्स जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, बट वो उनको पूरा लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इससे क्या होगा गाइस, फायदा कि जो परमानेंट रेसिडेंट होंगे यहाँ के, वो अपना खुद का प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो परचेज कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें और बेहतर कर पाएंगे वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स में। तो इसलिए ये न्यू स्पेशल रेसिडेंसी स्कीम यहाँ पर देखने को मिल रही है। याद रखिएगा सऊदी अरेबिया की ये स्कीम है अपनी नॉन ऑयल रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए, राइट। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक, बट इसके अलावा एक और सऊदी अरेबिया से रिलेटेड हम लोग को टॉपिक देखने को मिल रहा है। सो गाइस ध्यान देना, सऊदी अरेबिया पहली अरब कंट्री बन गई है जिसको FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबरशिप मिली है, वो भी फुल मेंबरशिप ग्रांट हो गई है इसको। 2015 की शुरुआत में FATF के द्वारा सऊदी अरेबिया को इनवाइट किया गया था, और उस समय सऊदी अरेबिया एज अ ऑब्जर्वर स्टेट और या फिर एज अ ऑब्जर्वर मेंबर देखने को मिली थी, और अब जो है इसकी 30th एनिवर्सरी पे इसको पूरी फुल मेंबरशिप जो है वो ग्रांट कर दी है FATF ने।
गाइज FATF टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जामिनेशन बिकॉज काफी समय से FATF न्यूज में, इवन पिछले एक साल से लगातार हम लोग को FATF न्यूज में देखने को मिल रहा है. तो प्रिलिम्स में, प्रिलिम्स 2020 में और या फिर वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में और प्लस मेंस में भी ये FATF का टॉपिक जो है वो काफ़ी काम का है. मैंने कई बार आपको FATF से रिलेटेड पूरी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी है, तो जो हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा FATF के बारे में. बट जो हमारे साथ नए जुड़े हैं तो उनके साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगा मैं, उनको भी FATF के बारे में अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से. और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अगर आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर दीजिए ये टॉपिक, राइट, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है FATF के बारे में, आप नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं. क्योंकि इसमें यही है कि सऊदी अरेबिया को इसकी मेंबरशिप मिल गई है और टोटल ऑफिशियली जो है वो एट प्रेजेंट FATF के 37 मेंबर हैं और अब इसमें प्लस वन सऊदी अरेबिया हम लोग को देखने को मिल रहा है. तो ऑफिशियल फुल मेंबर जो है वो FATF के वो 38 अब हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट. और ये वाली चीज मेंस एग्जामिनेशन के लिए याद रखिएगा कि FATF जो है वो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग है. ग्लोबल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको ये कॉम्बैट करने पर फोकस करता है. तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसी से इसका पूरा फंक्शन हम लोग को समझ में आ जाएगा. तो गाइज ये करती क्या है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो गाइज मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना. मनी लॉन्ड्रिंग जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग है और इस प्रकार के जो थ्रेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी के खिलाफ होते हैं, तो उनको जो है ये रोकने का काम करती है, राइट. तो उससे रिलेटेड ये स्टैंडर्ड्स सेटअप करती है, लीगल रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स लेती है, राइट, कि जिस प्रकार की ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग और इस प्रकार की टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए. और अभी इतने समय से हम लोग FATF को न्यूज़ में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि गाइस पाकिस्तान जो है उसको FATF ने जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया है. इसकी बेसिकली दो लिस्ट होती हैं, एक होती है ब्लैक लिस्ट और दूसरी होती है ग्रे लिस्ट. तो अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है और उसको अभी रिसेंटली वार्निंग दी थी कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, बट अभी पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट से बच चुका है. अब इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों डाला, बिकॉज FATF के पास लीड आई थी कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ लूपहोल्स वगैरह चेक किए पाकिस्तान के और उसमें ये पाया गया कि हाँ वाकई में पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है. तो FATF के द्वारा कुछ नोटिस जो है वो दिए गए पाकिस्तान को और उसमें कुछ उनको जो है वो मेजर्स दिए गए कि ये सब मेजर्स को आपको फुलफिल करना है. अगर आप इन सब मेजर्स को फुलफिल कर लोगे, मतलब यानी कुछ पॉइंट्स बताए थे लूपहोल्स के कि अगर आपको टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ये सब मेजर्स लेना है और अगर आप ये सब मेजर्स को टाइम पर ले लोगे तो आपको जो है वो ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा, नहीं तो फिर अगर नहीं लोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा. तो अभी के लिए पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है. तो ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्री होती है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि वो कंट्री जिनसे रिलेटेड जो है वो FATF को लीड मिलती है कि वहां पर कुछ टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, राइट. तो उसके बाद FATF उनको जो है वो उनके लूप होल्स को फिलअप करने के लिए कुछ मेजर्स देता है और अगर वो कंट्री उस मेजर्स को फुलफिल नहीं करती है तो उनको जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, राइट. तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है. तो इसका मेजर पर्पस क्या होता है कि ये एम करती है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका मिसयूज ना हो. जैसे कि क्या होता है गाइस, मनी लॉन्ड्रिंग आप समझते होंगे कि एक कंट्री से ब्लैक मनी काला पैसा दूसरी कंट्री पे पहुंचाया जाता है. कैसे पहुंचाया जाता है, तो हवाला आपने नाम सुना होगा, हवाला के थ्रू इंटरनेशनली ब्लैक मनी का ट्रांजेक्शन होता है. तो ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो इसको कर्ब करने पर यह फोकस करती है. तो ये मॉनिटर करती है कि इसके पूरी इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा, वहां पे कहीं पर इस प्रकार का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, राइट. तो इसका ये मेजर पर्पस होता है. और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये कब सेटअप की गई थी, तो 1989 पे सेटअप की गई थी और अभी 2019 में इसको 30 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और उसकी 30th एनिवर्सरी में ही सऊदी अरेबिया को जो है वो फुल मेंबरशिप मिल गई है FATF की, राइट. और G7 का ये इनिशिएटिव है, ग्रुप ऑफ सेवन नेशन का इनिशिएटिव है. ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि पॉलिसी बनाती है. किससे रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया, लीगल रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स लेती है इस प्रकार की टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, जिससे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का मिसयूज ना हो सके. तो ये सब चीज़ें आप मेंस एग्जामिनेशन में यूज करेंगे. और साथ ही साथ इसका सेक्रेटेरिएट क्या है, कहां पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर पेरिस में लोकेटेड है, वहीं पर ही इसका सेक्रेटेरिएट है FATF का. और बहुत ज्यादा ये न्यूज में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं.
अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी कंट्री को, जैसे हमने देखा कि इसकी दो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, अगर किसी कंट्री को इसने ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तब क्या होता है, तो गाइस वहां पर बिजनेस जो होता है वो कम होने लगता है। देखिए ब्लैक लिस्ट की तो बात करें, ब्लैक लिस्ट और भी ज्यादा सीवियर होता है, बट अगर ग्रे लिस्ट की बात करें इनिशियल में, तो जैसे अभी पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि FATF पूरे उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर निगरानी रख रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ काम नहीं करती हैं, उसके साथ बिजनेस नहीं करती हैं जो कंट्रीज ग्रे लिस्ट में होती हैं। बिजनेस क्यों नहीं करती हैं, रीजन बीइंग गाइस क्योंकि FATF इनकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है और कई सारी MNC को ये लगता है कि उनके बिजनेस में रुकावट आएगी, क्योंकि अगर FATF ने अगर इस पर्टिकुलर कंपनी को नोटिस भेज दिया, बिकॉज कोई कंपनी नहीं जाएगी चाहेगी कि उसके पास किसी इंटरनेशनल एजेंसी का कोई नोटिस आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल और सिंपल लेवल पर लो, ग्राउंड लेवल पर समझो आप, जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, आप कभी नहीं चाहोगे कि पुलिस वाले आकर आपके बिजनेस में इंटरप्ट करें, बार बार आकर कोई नोटिस दें या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस मिले। तो ऐसा होगा तो क्या होगा कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन कम होगी, और इंटरनेशनली और मल्टीनेशनल कंपनीज ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हैं। तो इसीलिए ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो ऐसी कंट्रीज के साथ काम नहीं करती हैं जो कि FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में आती हैं। ग्रे लिस्ट में आने वाली कंपनीज के साथ फिर भी काम कर लिया जाता है, बिकॉज वो जो होती हैं वो मॉनिटरिंग में होती हैं कि अभी जो है उनको उन पर्टिकुलर कंट्रीज को FATF ने कुछ नोटिस भेजे हैं और उस नोटिस में कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको फुलफिल करना है, उस कंट्री को अगर ये फुलफिल कर लेगी तो बच जाएगी, अगर नहीं करेगी तो फिर ये ब्लैक लिस्ट में जाएगी। तो फिर भी ग्रे लिस्ट में उतना सीरियस तरीके से कंपनी जो है वो अवॉइड नहीं करती हैं, बट एक बार किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो उस कंट्री के साथ किसी भी प्रकार का बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो बड़ी बड़ी MNC कंपनी कभी नहीं करती। बिकॉज आप सपोज करो कि आपकी कोई कंपनी है, राइट, XYZ आपकी कंपनी है, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी कंपनी जो है वो किसी ऐसी कंट्री के साथ काम करे जो कंट्री टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रही है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, कभी नहीं चाहोगे आप। एक तो लीगल मेजर्स को तो दूर भी हटा दें एक बार हम लोग कि आप चलो ठीक है आपके पास इतनी पावर है कि आप FATF को टैकल कर लो और उसके नोटिस को जो है वो आप टैकल कर लो क्योंकि आप गलत नहीं हो, बट फिर भी आप जो है वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए आप ऐसी कंट्री के साथ कभी काम नहीं करोगे जो कंट्री अपना अमाउंट जो है, पैसा जो है या ट्रांजेक्शन जो है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में करती है। तो इसीलिए इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस से। समझ में आया, पूरी चीज़ बिल्कुल क्लियर है ना अब आपको? तो आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ चुकी होगी FATF के बारे में। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट्स बना लो इससे रिलेटेड, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में। तो गाइज ये टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है रिमूवल ऑफ जजेस से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। तो बताया जा रहा है जो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, इसमें मेंशन है कि जजेस को रिमूव कैसे किया जाए। तो ये प्रोसीजर जो है जजेस को रिमूव करने का, ये इन दोनों कानून के थ्रू देखने को मिलता है। और गाइज जजेस को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में एक मोशन प्लेस किया जाता है जिस मोशन का नाम है मोशन ऑफ इम्पीचमेंट, राइट। तो ये समझाने से पहले, इस मोशन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बिल के बारे में समझाता हूं जिसके बारे में आप जानते ही हैं। तो दोस्तों देखो, बिल जो होता है यानी कि किसी भी एक्ट, किसी भी कानून को लागू करने के लिए पार्लियामेंट में क्या होता है, सबसे पहली चीज देखने को मिलती है जहां पर बिल को प्लेस किया जाता है पार्लियामेंट में। अगर वो पहले स्टांस में लोकसभा में प्लेस हुआ तो क्या होगा, लोकसभा में वो बिल जो है उसकी वोटिंग होगी, और अगर मेजोरिटी मिल जाती है उस बिल की लोकसभा में तो कहां पे जाता है ये बिल, ये तीसरे सेकंड हाउस में जाता है, राज्यसभा में जाता है, राइट। तो राज्यसभा में क्या होता है, फिर इसकी वोटिंग होती है अगेन, और फिर अगर राज्यसभा से भी ये प्लेस पास हो जाता है तो कहां पे जाता है, हमारे प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद फिर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर बिल को जो है वो एसेंट प्रोवाइड कराते हैं उस बिल को, और उसके बाद फिर ये फाइनली कानून बनता है, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है किसी कानून बनाने के लिए, बिल के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है। वैसे ही मोशन ऑफ इम्पीचमेंट जो है जिसके थ्रू जजेस को रिमूव करने की बात की जाती है वो इसी पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस की मैंने आपको बात बताई कि कैसे ये होता है। तो देखो आप, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट को पहली चीज क्या है, पहली प्रोसेस, वो मोशन ऑफ इम्पीचमेंट जो है वो पार्लियामेंट में प्लेस होगा, राइट। तो पहली प्रोसेस जो है वो प्लेस करने की, उसको रखने की है पार्लियामेंट में। तो गाइस उसको रखने का ही टास्क काफी डिफिकल्ट है। यहां पर बताया जाता है कि अगर ये लोकसभा में, अगर पहले इंस्टांस पर प्लेस किया जाता है लोकसभा में, तो एटलीस्ट इस मोशन को 100 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए इस मोशन को प्लेस करने के लिए, 100 मेंबर्स की लोकसभा के। अगर 100 मेंबर्स इस मोशन को साइन करेंगे लोकसभा के, तब जाकर ये प्लेस होगा लोकसभा में। और अगर ये राज्यसभा में पहले इंस्टांस पे हम लोग को देखने को मिलता है, तो राज्यसभा के एटलीस्ट 50 मेंबर्स की इसमें सहमति होना जरूरी है। और अगर लोकसभा में 100 मेंबर इसको मिल गए तो उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद ये स्पीकर के पास जाता है लोकसभा के, और अगर राज्यसभा में के अगर 50 मेंबर्स की सहमति मिल गई इस मोशन ऑफ इम्पीचमेंट के लिए, तो उसके बाद ये जाता है राज्यसभा के चेयरमैन के पास, उनको ये दिया जाता है, और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस जो है वो शुरू होती है इस पर्टिकुलर मोशन ऑफ इम्पीचमेंट की। तो गाइस देखो, क्वेश्चन आ सकता है कि मोशन ऑफ इम्पीचमेंट इतना डिफिकल्ट क्यों है, क्यों इसमें पहले ही इसको सिर्फ प्लेस करने के लिए ही 100 मेंबर की आवश्यकता पड़ रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो गाइस द रीजन बिहाइंड दैट इज, ये बात की जा रही है जजेस के रिमूवल की, यानी कि जुडिशरी के ऑफिसर की रिमूवल की बात की जा रही है। जुडिशरी में जजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, और जुडिशरी जो है वो न्याय प्रोवाइड कराती है, जस्टिस प्रोवाइड कराती है, और अगर जस्टिस प्रोवाइड कराने की ही अथॉरिटी इनसिक्योर हो जाए पॉलिटिशियन से या बात करें लेजिस्लेचर से, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डेवलप हो सकती है। इस कंडीशन में जो पॉलिटिशियन होंगे, अगर ये इसको इजी तरीके से अगर पार्लियामेंट में सिर्फ प्लेस कर दिया जाएगा, तो कई सारे पॉलिटिशियंस जो है वो जजेस को जो है वो कर सकते हैं, धमका सकते हैं, उनको थ्रेट पहुंचा सकते हैं कि आपके खिलाफ जो है हम लोग एक मोशन जारी कर देंगे, अगर ये इतना सिंपल होता तो। तो इसीलिए इसको इतना डिफिकल्ट बनाया है कि जजेस जो है वो सिक्योर रहें, वो अपना अपनी जो न्याय जो वो प्रोवाइड कराते हैं, जो अपना डिसीजन देते हैं, न्यूट्रल डिसीजन, अनबायस्ड डिसीजन वो सही तरीके से दे सकें, क्योंकि उनके पास जो मोशन ऑफ इम्पीचमेंट जो है उसका प्रोसीजर काफ़ी लेंथी हम लोग को देखने को मिलता है, काफ़ी डिफिकल्ट देखने को मिलता है। तो ये तो पहले प्लेस करने की बात हो गई कि अब हम मान लेते हैं कि एक मोशन ऑफ इम्पीचमेंट जो है उसकी उसको सहमति मिल गई लोकसभा के 100 मेंबर्स के द्वारा, एटलीस्ट 100 मेंबर्स के द्वारा, और उसके बाद ये पार्लियामेंट में प्लेस हो गया और लोकसभा के स्पीकर को ये डिलीवर हो गया। उसके बाद क्या होता है फर्दर प्रोसेस, व्हाट इज द फर्दर प्रोसेस? उसके बाद एक कमिटी बैठाई जाती है 3 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की, और ये कमिटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है कि जिस जज को रिमूव करने के लिए ये मोशन जो है वो पार्लियामेंट में प्लेस किया है, क्या वो जज वाकई में गिल्टी है कि नहीं है, या फिर वो इनोसेंट है। तो उसकी कार्रवाई की जाती है, उस जज के खिलाफ चेक किया जाता है कि क्या वाकई में जिस ग्राउंड के ऊपर इसको रिमूव करने की बात की जा रही है वो ग्राउंड क्या वाकई में वैलिड है कि नहीं है, समझ रहे हो बात को? तो ये इन्वेस्टिगेशन करती है कमेटी, और बताया जा रहा है अगर कमेटी ने सपोज मान लेते हैं अगर कमेटी ने किसी जज को गिल्टी साबित कर दिया, यानी कि उस कमेटी ने फाइंड आउट कर दिया कि ये जज जो है वो वाकई में गिल्टी है, वाकई में इसके खिलाफ जो है वो जो मोशन जारी किया है वो सही है, वो बिल्कुल वैलिड है, तो उस कंडीशन में जब जज गिल्टी पाया जाता है तो उस कंडीशन में हाउसेज जो है उसमें ये मोशन जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अब जो है ये फाइनली मोशन एक्टिव हो जाता है। देखो इसमें इसको सिर्फ प्लेस करने के लिए काफ़ी मुसीबत आती है, काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, इतने सारे मेंबर्स की सहमति चाहिए, दूसरे में एक कमेटी सेटअप होती है, उसके बाद फिर अगर कमेटी अगर किसी जज को जो है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसमें मौजूदा रहते हैं, 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हम लोग को देखने को मिलती हैं, और अगर ये बोल दें कि हाँ जज वाकई में गिल्टी है, जज जो है वो गुनहगार है, तो उसके बाद फिर ये मोशन जो है वो पार्लियामेंट में मूव करता है। और कैसे मूव करता है ये मोशन पार्लियामेंट में? तो गाइज हम लोग को देखने को मिलता है इस मोशन को मूव करने के लिए रिक्विजिट मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ टोटल एंड 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ हाउस है उसकी 50% हम लोग को देखने को मिलनी चाहिए, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी की बात की जा रही है यहां पर, और जो मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं हाउस में और जो वोट कर रहे हैं हाउस में उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ये दोनों हाउस में, अगर लोकसभा में है तो लोकसभा में भी यही मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी, मेजॉरिटी ऑफ टोटल हाउस एंड 2/3 ऑफ इट्स मेंबर एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। और उसके बाद फिर ये अगर मेजॉरिटी मिल जाती है एक हाउस में, लोकसभा में मान लेते हैं मेजॉरिटी मिल गई, फिर उसके बाद फिर राज्यसभा में ये जाएगा और राज्यसभा में भी सेम इसको रिक्विजिट मेजॉरिटी चाहिए रहेगी, और उसके बाद फिर ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाता है, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट जो होते हैं फिर जजेस को रिमूव करते हैं। तो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट के पास जजेस को रिमूव करने की, बट ये पूरा प्रोसीजर से गुजरना रहता है, और इतना डिफिकल्ट ये प्रोसीजर है जिसमें मेजॉरिटी भी चाहिए और इसको प्लेस करने के लिए एटलीस्ट 100 मेंबर की सहमति चाहिए लोकसभा की, या फिर अगर राज्यसभा में ये प्लेस किया जाता है तो एटलीस्ट राज्यसभा के 50 मेंबर्स की सहमति चाहिए। समझ रहे हो आप कितना डिफिकल्ट टास्क है जज को रिमूव करने का? ये डिफिकल्ट ही इसलिए बनाया गया है, अगर इसको इजी बना दिया जाता तो ऑब्वियस ही बात है जजेस को जो है वो थ्रेटनिंग पहुंचाई जा सकती थी कई सारे पॉलिटिशियंस के द्वारा। कई सारे पॉलिटिशियंस जजेस को बोल सकते थे, धमका सकते थे, और उनको जो है वो बायस्ड डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमारे यहाँ इतना बेहतरीन प्रोसीजर जजेस को रिमूव करने का देखने को मिला है। होप कि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा कि ये प्रोसीजर की क्या अहमियत है, राइट? इसके बारे में थोड़े से और की फैक्ट्स हम लोग जानते हैं। तो गाइस अ मेंबर ऑफ हायर जुडिशरी विच मींस जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
तो हायर जुडिशरी क्या के मेंबर्स कौन से होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड स्टेट हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट जो है उनके जजेस जो होते हैं तो उनको रिमूव किया जा सकता है सर्विस से, बट ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के प्रोसीजर के थ्रू, इस आर्टिकल के प्रोसेस जो इस आर्टिकल में मेंशन है उसी के थ्रू ही सिर्फ हायर जुडिशरी के मेंबर को रिमूव किया जा सकता है, राइट? जैसे कि स्टेट हाई कोर्ट के जजेस और जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये आर्टिकल 124 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके थ्रू इनको रिमूव करते हैं. और जज इज रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. सिर्फ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड के ऊपर ही इनको रिमूव किया जा सकता है, बाकी किसी और चीज के लिए नहीं. इवन इनके डिसीजन के लिए भी इनको रिमूव नहीं किया जा सकता. अगर कोर्ट के किसी जज ने कोई डिसीजन दे दिया, कोई जजमेंट दे दिया, तो उस जजमेंट के बिहाफ में उसको रिमूव नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है, अगर स्टेटमेंट आता है लिखा हुआ कि किसी जज को उसके डिसीजन के बेसिस के ऊपर रिमूव किया जा सकता है, तो वो स्टेटमेंट गलत है. उसके डिसीजन के बेस के ऊपर उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है जज को, बट जो प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड के ऊपर किया जा सकता है. और रही बात डिसीजन की, तो डिसीजन जो जज गलत लेते हैं तो आप सभी जानते हैं गाइस कि अपेलेट हमारे यहाँ हम लोग को देखने को मिलती है. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है अगर वो डिसीजन गलत दे दे तो अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में. अगर हाई कोर्ट डिसीजन गलत दे दे तो जो पिटीशनर जो होते हैं वो अपील कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास. तो फाइनल अथॉरिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होती है कि हम लोग को देखने को मिलती है. समझ में आ रहा है? तो जजेस को सिर्फ दो ही चीज़ों के ऊपर रिमूव किया जा सकता है, तो वो एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी. तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है. और पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ सच मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. और पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उस जज के खिलाफ उसकी प्रोसीजर क्या होगी, वो क्या मतलब कौन उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो वो पार्लियामेंट भी जो है वो उसके पास एम्पावर होता, एम्पावरमेंट इतनी मतलब यानी कि पावर होती है पार्लियामेंट के पास कि वो इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर सके. तो पार्लियामेंट का भी रोल हम लोग को यहाँ पर मेजर देखने को मिलता है. एंड अ जज मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट. जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनल जो अथॉरिटी होती है वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं. मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, फाइनल ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं जो कि जज को रिमूव कर सकते हैं एट दी एंड. पूरा मोशन पास हो गया, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट ही होंगे जो कि जज को रिमूव करेंगे. तो ही इज द ओनली अथॉरिटी हु कैन रिमूव अ जज. इसके अलावा इश्यूज जो हैं गाइज आज की डेट में और क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, तो गाइज बताया जा रहा है कि जो 1968 का जो एक्ट हम लोग को देखने को मिला था जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो प्रोसीजर्स जो हैं मौजूद हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है. पॉलिटिकल वोटिंग की भी यहाँ पर बात की जा रही है जिसके थ्रू कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि एक 3-member कमिटी जो है वो अगर जज को गिल्टी भी साबित कर दे तो उसके बाद फिर अगर वोटिंग जो है मान लेते हैं कि जो वोटिंग होती है हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में जो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू हम लोग को वोटिंग देखने को मिल रही है, तो मे बी पॉसिबल कि एक 3-member कमेटी ने अगर किसी जज को गिल्टी साबित कर दिया और लोकसभा में ये पास हो गया मोशन ऑफ इम्पीचमेंट और राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो फाइनली वो जज जो है वो रिमूव नहीं होगा. तो ये वाला एक कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है. तो इसके चलते क्या हो रहा है कि जो नेचुरल जस्टिस है उसकी मॉकरी की जा रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि 3-member जो कमेटी है जिसमें टॉप मोस्ट जजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, 3 सुप्रीम कोर्ट के जज और एक ज्यूरिस्ट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं. तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर कोई कमेटी जो है जो हाई लेवल कमेटी जो कि इन्वेस्टिगेट कर साबित कर रही है कि वो जज जो है वो गिल्टी है और उसके बाद फिर एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू अगर जजेस को रिमूव नहीं किया गया यानी कि मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगर पास नहीं हुआ तो एक गिल्टी जज जो है वो अपनी जो पोस्ट जो है उसको कैरी ऑन करेगा, अपने ऑफिस जो है उसको चलाएगा, उसका ऑफिस सही चलेगा. तो दैट इज़ द इशू. तो ये वाली चीज़ आप मेंस में यूज़ करेंगे, ये इशू है एक मेजर. तो इसी के चलते देखने को मिलता है कि एक गिल्टी जज जो है वो इस प्रोसीजर के थ्रू बच भी सकता है. तो ये एक लूप होल है यहाँ पर, ये 1968 के इस पर्टिकुलर एक्ट में, जजेस इंक्वायरी एक्ट. और गाइज एंटायर प्रोसेस कंसर्न ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हार्मिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस. और ये पूरा प्रोसेस है ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हार्म भी कर सकता है. और जिसमें देखिए पॉसिबिलिटी ये भी है कि जजेस को हरास किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई पार्टी पावर में है तो वो जजेस को भी हरास कर सकती है. वो बोल सकती है कि मैं आपके खिलाफ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट जारी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो मेजॉरिटी है अगर किसी पार्लियामेंट में किसी पार्टी के पास
तो वो मेजॉरिटी के बेसिस पर अपने उस मोशन को जो है वो प्लेस करवा सकती है पार्लियामेंट, भले ही इन फ्यूचर पास ना कराए बट एटलीस्ट मोशन प्लेस हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि टेम्पररी पीरियड के लिए वो जज जो है वो अपने ऑफिस से रिमूव हो जाएगा, टेम्पररी पीरियड के लिए वो अपनी सेवा जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा वो पर्टिकुलर जज, क्योंकि होता ही है जब ये थ्री मेंबर कमेटी जब बैठती है तो उस समय उस जज को टेम्पररी पीरियड के लिए जो है वो सस्पेंड नहीं बोलेंगे, सस्पेंड इज नॉट द करेक्ट वर्ड, टेम्पररी पीरियड के लिए उसको सर्विस से हटा दिया जाता है, राइट कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती है। जैसे आपने देखा होगा कई सारी जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जिनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस समय के लिए वो ऑफिस से हटा दिए जाते हैं, निरस्त कर दिए जाते हैं, तो ये वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें जो पॉलिटिकल प्रोसेस यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन्वॉल्व है तो उसके थ्रू जजेस को हरास किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। और भी बहुत बुरी चीज़ वो ये है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, हमने बात करी ना कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग को मेंशन देखने को मिला था कि सिर्फ और सिर्फ इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, ये है सिर्फ और सिर्फ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस के ऊपर ही जजेस को रिमूव किया जा सकता है उसकी ऑफिस से। और ये जो वर्ड है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसकी कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन मौजूद नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। तो क्या करना चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी रखनी चाहिए कि प्रूफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आखिरकार क्या है, इसको प्रॉपर डिफाइन करना चाहिए, तो ये रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जज इज टू इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स, ये प्रोसेस है जैसा अभी हमने बात करी कितना कॉम्प्लेक्स, इसको प्लेस करना कॉम्प्लेक्स है, जजेस को रिमूव करना, इसके अलावा फिर लोकसभा में जो है ये फिर मतलब 100 मेंबर्स की अनुमति होगी तब जाके ये प्लेस होगा, राज्यसभा में 50 मेंबर्स की अनुमति होगी फिर ये प्लेस होगा, उसके बाद फिर कमिटी बैठेगी वो अपना कार्रवाई करेगी, फिर फाइनली कमिटी जब गिल्टी करेगी तो उसके बाद उसको वोटिंग के थ्रू वो पास होना चाहिए, और अगर वो पास नहीं हुआ तो एक गिल्टी जज जो है वो अपने ऑफिस को कंटिन्यू कर सकता है। तो दैट इज़ द इशू, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करने की आवश्यकता यहाँ पर बताई जा रही है। तो गाइस ये वाला टॉपिक जो है वो रिमूवल ऑफ जजेस का वो न्यूज़ में हम लोग क्यों देख रहे हैं, तो रीज़न बीइंग इज़ कि 18 महीने के बाद अभी एट प्रेजेंट जो तीन जजेस की कमिटी जो बनाई गई थी सीजीआई दीपक मिश्रा जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा जी, तो इन्होंने जस्टिस शुक्ला, जस्टिस एस एन शुक्ला जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनको गिल्टी जो है वो साबित कर दिया है। उन्होंने जो है वो बोल दिया है कि इनका इन्वॉल्वमेंट जो था वो मेडिकल कॉलेज एडमिशन स्कैम में था, यानी कि मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों के एडमिशन जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये करवा रहे थे, और इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस भी थे। तो यही बताया गया है कि काफ़ी समय बाद जो है ये पाया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जस्टिस एस एन शुक्ला जी जो है वो गिल्टी हैं, और ये थ्री मेंबर कमेटी ने जो है वो ये साबित कर दिया। अब देखिए थ्री मेंबर कमेटी ने साबित कर दिया, अब क्या होगा, अब लोकसभा और राज्यसभा में ये मोशन ऑफ इम्पीचमेंट जो है वो चालू होगा, और उसके बाद फिर वोटिंग होगी, अगर प्रॉपर तरीके से वोटिंग हो जाती है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के द्वारा, तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट इनको रिमूव करेंगे। अगर नहीं होगी तो क्या होगा, ये गिल्टी जो थ्री मेंबर कमेटी ने इनको साबित किया है, ये थ्री मेंबर कमेटी जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी और ये जज जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे अपने ऑफिस को। तो दिस इज द मेजर इशू, और इसीलिए अभी एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजन गोगोई जी जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि जो मोशन जो है रिमूवल का यानी कि मोशन ऑफ इम्पीचमेंट उसको शुरू किया जाए पार्लियामेंट में। तो ये वाली बात हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो गाइस ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में। तो गाइस बताया जा रहा है कॉमन सर्विस सेंटर्स आर द एक्सेस पॉइंट फॉर डिलीवरी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज टू विलेजेस इन इंडिया। गाइस इंडिया में आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू सभी चीज़ को डिजिटल किया जा रहा है, राइट। अब इसमें सभी कुछ चीज़ें, चाहे वो ऑनलाइन कॉलेज की फ़ीस भरना हो, चाहे वो किसी सर्टिफिकेट को हासिल करना हो, या फिर किसी स्कीम्स में जो है वो रजिस्टर होना हो, तो ये सब कुछ चीज़ें आज की डेट में जो है वो डिजिटल हो चुकी हैं और धीरे धीरे होती जा रही हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है विलेजर्स का, क्योंकि विलेजर्स जो है गाइस वो इतने डिजिटली लिटरेट नहीं है, उनको डिजिटल नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा, जिसके कारण से उनको कई सारी बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिल पाती, उसका लाभ नहीं मिल पाता कई सारी सर्विसेज का। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए विलेजेस जो है हमारे इंडिया के उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है वो शुरू किए गए थे 2006 से। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम के थ्रू जितने भी वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो हैं वो डिलीवर की जाती हैं विलेजर्स को, उनका ये एक एक्सेस पॉइंट जो है वो बनाया गया है कि यहाँ से विलेजर्स जो हैं वो इस कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाकर कई सारी स्कीम्स, कई सारी पॉलिसीज़ जो है उसको अवेल कर सकते हैं। और गाइज ये
एक स्ट्रेटेजिक कॉर्नर स्टोन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का. तो ये कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करता है और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तीन विजन एरियाज हैं उनको भी ये इनेबल करता है, जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज द कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, कि सभी सिटीजन्स तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो सर्विसेज पहुंचाई जा सके, यानी कि सभी सिटीजन जो है वो डिजिटली अपने आप को एम्पावर कर सकें. डिजिटल एम्पावरमेंट टू सिटीजन्स. गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, क्योंकि डिजिटल क्यों किया जा रहा है सभी चीज़ें, क्योंकि बिकॉज बेटर गवर्नेंस के लिए. रीजन बीइंग क्या होता था कि पहले जब डिजिटलाइजेशन इतना नहीं था तब हुआ क्या करता था कि अगर सपोज करो किसी को जो है कोई स्कीम के थ्रू किसी फार्मर को कुछ पैसे मिलने वाले हैं किसी स्कीम के थ्रू, तो उनको क्या होता था कि लोकल ऑफिस में जाना पड़ता था, सरकारी ऑफिस में वहाँ जाके उनको जो है वो पैसे मांगने पड़ते थे कि आप हमें अपने ये वाले पैसे दीजिए इस स्कीम के थ्रू, मेरे अकाउंट में आने वाले हैं, अकाउंट में भी नहीं आने, उनको डायरेक्ट वहाँ से पैसे मिलते थे ऑफिस से. तो होता क्या था कि जो बाबू हुआ करते थे वहाँ पे क्लर्क या फिर कोई ऑफिसर जो है वो उस किसान को जो है वो पीड़ित किया करते थे, यानी कि किसान पीड़ित बन जाता था, विक्टिम बन जाता था, क्योंकि उससे वो पैसे चार्ज किया करते थे, उसको एक्सप्लॉइट किया करते थे, उसको बोलते थे कि तुम मुझे 10% दे दो मैं तुम्हें अभी के अभी पैसे देता हूँ. तो इस प्रकार की चीज़ें होती थी, बार बार किसी को गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस में बुलाया जाता था एक काम के लिए, 50 बार जो है उनको चक्कर लगाने पड़ते थे तब जाके किसी का काम होता था. बट जब से चीज़ें डिजिटल हो गई तब से क्या होता है कि वन क्लिक पे पूरे काम जो है वो हो रहे हैं. और इससे एक और फायदा है, इससे गवर्नमेंट जो है उनको रियल टाइम बेसिस पर पता लग रहा है कि जो वो स्कीम जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक्चुअल बेनिफिशियरी तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही. और ये सब पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली. तो ये जो जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं, वो लोगों तक पहुँच सके और स्पेशली विलेजेस तक, क्योंकि विलेज में लोग जो होते हैं वो इतने डिजिटली लिटरेट नहीं होते हैं, तो इसी के लिए ये कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो चालू किया गया था. सो मैं आपको पूरा कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में कि ये क्या है और इसमें जो वेरियस जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, यानी कि वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, जैसे कि सोशल वेलफेयर स्कीम, कई सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन और एग्रीकल्चरल सर्विसेज हैं. जैसे कि इवन इसको भी छोड़ दो आप, इवन अगर किसान जो है उसको अगर किसी को पैसे भी ट्रांसफर करने हैं तो वो भी पॉसिबल हो पा रहा है कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जाकर किसान जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर में एजेंट को पैसे देता है और वो उसको जिस लोकेशन तक या जिस अकाउंट में वो पैसे पहुँचाने हैं वो पैसे वहाँ तक पहुँच जाते हैं. तो ये भी एक सुविधा किसानों को मिल रही है इस कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू, राइट, और किसान और विलेजर्स बेसिकली. तो ये कुछ सर्विसेज हैं जिनका लाभ जो है एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं इनका लाभ जो है वो रूरल एरियाज़ में रहने वाले सिटीजन्स और रूरल और इवन रिमोट एरियाज़ में रहने वाले सिटीजन्स इसका लाभ उठा पाते हैं वाया कॉमन सर्विस सेंटर्स. और न्यूज़ में हम लोग क्यों देख रहे हैं गाइस, क्योंकि बताया जा रहा है कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है सीएससी के साथ, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ, जिसके थ्रू बताया जा रहा है कि ये मिलकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर पर काम करने वाले हैं. तो वहाँ पर भी ये सेवा प्रोवाइड कराएंगे MSME में. और कल के एडिटोरियल में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि MSME जो है वो हमारे GDP का 30% कंट्रीब्यूट करती है, हमारे GDP में 30% कंट्रीब्यूट करती है और इससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. तो इसलिए आज की डेट में MSME पे फोकस किया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. और MSME पे फोकस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि MSME के थ्रू कई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी जो है वो एक मेजर इशू है इंडिया का, तो इनको जल्द से जल्द टैकल करना है. तो इसलिए इसी को भी ध्यान में रखते हुए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन की गई है. तो चीज़ों को रिलेट करते हुए चला करो, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन में जितना आप रिलेट करोगे उतने अच्छे मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे. सर मैं थोड़ी सी और बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में. तो गाइस बताया जा रहा था कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट विच फॉर्म्स अ स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान. नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का एक स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट है एंड दैट वॉज अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट इन May 2006. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि May 2006 से, यानी कि 2006 की मैंने आपको बात करी कि 2006 से जो है ये अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहा है कॉमन सर्विसेज सेंटर विलेजर्स के लिए. और एज अ पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट इन द नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टू इंट्रोड्यूस ई गवर्नेंस ऑन अ मैसिव स्केल. तो ये इसी पर्टिकुलर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का ही एक पार्ट है जिसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं गाइज, ई गवर्नेंस को मैसिव स्केल में इंट्रोड्यूस करने पर फोकस कर रहे हैं. और ये CSCs के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है कि ज़्यादा लोगों को डिजिटल सर्विसेज जो है वो मिल पाए, इस पर ये फोकस है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का. एंड इट ऑल्सो वन ऑफ द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स अंडर द इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान. तो यही मतलब इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का, तो उसका एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इट इज़ वन ऑफ द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स. इसके अलावा गाइस जो कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 स्कीम जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो गाइस बताया जा रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ CSC स्कीम. द गवर्नमेंट लॉन्च्ड कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 या 2.0 स्कीम इन 2015. तो ये 2015 में 2.0 या 2.0 स्कीम जो है वो शुरू की थी
एंड जिसके थ्रू इन्होंने बोला कि कॉमन सर्विस सेंटर को सभी ग्राम पंचायत जो है वो पूरी कंट्री में वहाँ तक एक्सपेंड किया जाएगा। तो ये 2015 से ये बात करना शुरू हो गई कि अब इसको कॉमन सर्विस सेंटर को एक्सपेंड करेंगे, और टारगेट ये रखा था कि 2019 तक, ये वाली चीज़ याद रख लेना, ये आप मेंस में यूज़ करेंगे, 2019 तक एटलीस्ट एक कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत में सेटअप किया जाएगा, एटलीस्ट एक 2.5 लाख ग्राम पंचायत में। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि पूरी कंट्री में 2.5 लाख ग्राम पंचायत में 2019 तक सीएससी सेटअप करने की बात की गई थी इस स्कीम के थ्रू। एंड द सीएससी इज फंक्शनिंग अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम विल ऑल्सो स्ट्रेंथन एंड इंटीग्रेटेड विद एडिशनल 1.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें इसी पर्टिकुलर इसको स्ट्रेंथन होगा, यानी कि जो 2.0 स्कीम है उसके थ्रू 1.5 लाख और कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है वो पूरी कंट्री में ओपन किए जाएंगे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब डिस्कस करेंगे नेशनल फ्रेट इंडेक्स। तो गाइस नेशनल फ्रेट इंडेक्स को रिविगो नाम की एक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। रिविगो की अगर बात करें गाइस, तो रिविगो एक बेसिकली टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसके खुद के 3000 ट्रक्स हैं इनके पास। और इन्होंने क्या किया है, अपने ट्रक रेंटल्स की स्टडी करी है पिछले 3 सालों की, और उसके बिहाफ में इन्होंने नेशनल फ्रेट इंडेक्स को लॉन्च किया है। तो ये नेशनल फ्रेट इंडेक्स क्या है, तो इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बैरोमीटर ऑफ अ रोड फ्रेट मार्केट इन इंडिया एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अ रिविगो रेट एक्सचेंज। तो ये पहला ऐसा बैरोमीटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि मेजरमेंट पहला ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसके थ्रू इंडिया के रोड फ्रेट मार्केट को मेजर किया है, एनालाइज किया है कि इंडिया का रोड फ्रेट मार्केट जो है कैसा है, इंडिया के रोड्स में जो गुड्स वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ वो कितने अमाउंट में होता है, और वो उसका रेंटल क्या है, और किस हिसाब से उसका लॉजिस्टिक चल रहा है। तो उसकी जो है ये एनालिसिस इस पर्टिकुलर कंपनी रिविगो के द्वारा की गई, और उन्होंने एक इंडेक्स रिलीज़ किया है। और गाइस इस इंडेक्स में दो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, दो फॉर्म्स देखने को मिल रही है। पहला है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल फ्रेट रेट्स कंडेंस्ड टू INR पर टन किलोमीटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो एक्चुअल फ्रेट रेट्स हैं उनको इस प्रकार से बनाया है कि जो रुपीस टन और किलोमीटर के बेस पर, यानी कि कितने रुपए लग रहे हैं एक टन पर किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए। यानी कि देखिए रोड के थ्रू जा रहा है सामान, आप समझिएगा एक सामान है एक ट्रक में रोड के थ्रू जा रहा है, तो एक टन जो ट्रक भरा हुआ है और वो एक किलोमीटर जो आगे चल रहा है, यानी कि एक किलोमीटर एक टन सामान को के मूवमेंट के लिए कितने पैसे जो है वो लग रहे हैं, कितना रेंटल जो है वो लग रहा है। एक तो ये उन्होंने एक फॉर्म में इसको इंडेक्स को निकाला है, और दूसरा इनका फॉर्म जो है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ बेस मंथ, यानी कि एक महीने में कितना जो है वो पैसे लग रहे हैं, कितना मूवमेंट हो रहा है, और उसको इन्होंने मेजर किया है। तो उसके बेसिस पर बताया, एक तो रियल टर्म के ऊपर बताया है, एक्चुअल टर्म के ऊपर कि एक्चुअल टर्म में रेंटल जो है वो एक टन सामान के मूवमेंट के में कितना लगता है एक किलोमीटर ट्रैवलिंग में, उसकी मिनिमम की बात करी है, और एक महीने की बात करी है कि इंडिया में एक महीने में जो रेंटल मूवमेंट होता है, यानी कि ट्रक्स वगैरह का जो मूवमेंट होता है उसका कितना रेंट बनता है एक महीने में। तो अलग अलग टाइप से उन्होंने अपने इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया है दो तरीके के फॉर्म में। एंड नेशनल फ्रेट इंडेक्स गिव्स अ लाइव स्पॉट रेट ऑन ओवर 7 मिलियन लेन एंड व्हीकल टाइप कॉम्बिनेशन इन द कंट्री। तो इसने एक लाइव स्पॉट रेट प्रोवाइड किया है कि हमारी कंट्री में जो 7 मिलियन लेन है, 7 मिलियन से ज़्यादा लेन जो है, यानी कि किलोमीटर्स के मूवमेंट की इन्होंने बात करी है, और व्हीकल टाइप्स की बात करी है, अलग अलग टाइप के व्हीकल्स जो हैं उसको कंबाइन करते हुए उन्होंने एक लाइव स्पॉट रेट जो है वो सामने रखा है। एंड इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द मार्केट एंड प्रोपेल द लॉजिस्टिक सेक्टर्स टुवर्ड्स एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। तो ये क्या करेगा गाइस, एक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, नहीं तो देखिए क्या होता है लॉजिस्टिक सेक्टर में जो ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज वगैरह जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने रेट जो है वो खुद ब खुद डिसाइड करने लगती है, तो उससे क्या होता है कि उनकी मोनोपोली जो है वो सेटअप होने लगती है मार्केट में। तो ये इस प्रकार के इंडेक्स के थ्रू पता लगेगा कि एक्चुअल रेट जो है वो क्या होना चाहिए मार्केट में किसी सामान को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने का। तो ये इसमें ये फ़ायदा करेगा बताने के लिए, और ये भी चेक करने पर फोकस करेगा कि जो हमारी जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, यानी कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो कितना एफिशिएंट है और वो क्या ग्रोथ कर रहा है, किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है। तो इसका भी एस्टीमेट लगाने पर ये काम करेगी ये नेशनल फ्रेट इंडेक्स। और रिविगो ने एस्टीमेट किया है कि इंडिया का जो मार्केट है गाइज वो हर साल 9 से 10% की ग्रोथ जो है वो कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है लॉजिस्टिक सेक्टर हमारा, ज़्यादातर हम लोग जो है वो गुड्स वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाया रोड,
राइट और ये इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है. अब देखिए इसमें एक लूप होल जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि अभी तक जो कंपनीज वगैरह जो है जो कि अपनी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज वगैरह जो होती है ना जो ट्रांसपोर्ट करती हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो कंपनी अपनी मोनोपोली बिठाती हैं और उसके चलते इकोनॉमी प्राइस वगैरह जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, राइट. तो इसका ये एक लूप होल है जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि 9-10% पर ईयर जो है वो मार्केट ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 9-10% पर ईयर महंगाई भी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है. तो अब ये क्या करेगा रिवीगो जो है गाइस, ये अगर कंटिन्यू, क्योंकि अभी तो इसने अपनी एक जो ये लॉन्च करी है अपना नेशनल फ्रेट इंडेक्स, और इसी प्रकार का जब ये इन फ्यूचर इंडेक्स जो है वो लॉन्च करेगा तो उससे पता लगता रहेगा कि एक्चुअल रियल टर्म में कितने पैसे लग रहे हैं और एक्चुअल कितने पैसे चार्ज किए जा रहे हैं. तो इससे समझ में आएगा कि ये मार्केट में जो डिसफिगरमेंट हो रहा है, जो पैसे जो ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं और कम चार्ज हो रहे हैं पैसे, यानी कि एक्चुअल में जो पैसे कितने लगने चाहिए और एक्चुअल में कितने पैसे लिए जा रहे हैं, तो उसका अगर मेजरमेंट पता लग जाएगा तो ये इस प्रकार की मोनोपोली जो है वो ब्रेक की जा सकेगी और रियलिस्टिक तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो मार्केट में लॉजिस्टिक सेक्टर हम लोग को देखने को मिलेगा. तो इसकी लॉजिस्टिक सेक्टर की ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू मेंटेन हो पाएगी, तो इसलिए ये इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इस प्रकार का आपसे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है तो यू कैन राइट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, राइट. दोस्तों अब नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट या फिर यूटी है जिसने अभी रिसेंटली फ्लड हजार्ड एटलेस को जो है वो लॉन्च किया है, तो ये है ओडिशा. ओडिशा के द्वारा फ्लड हजार्ड एटलेस जो है वो लॉन्च हुआ है. ओडिशा ने क्या किया है गाइस, ओडिशा ने अपने 2001 से लेकर 2018 के सैटेलाइट इमेजिनरी को जो है वो कैप्चर किया और उसकी मदद से जो है ये एटलेस को प्रिपेयर किया. इन्होंने ये चेक किया कि कितनी 2001 और 18 के पीरियड में किस प्रकार से फ्लड की सिचुएशन है और किस प्रकार से कौन से एरियाज पर फ्लड जो है वो डिटेक्ट हुए हैं, कौन से एरियाज पर फ्लड जो है वो देखने को मिले हैं. तो इसको जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा ये स्टडी जो है इसकी कंडक्ट की गई है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद. तो इन्होंने मिलकर ये इस पर्टिकुलर 2001 से 18 तक के ईयर की स्टडी कंडक्ट करी, चेक किया कि ओडिशा में किस किस जगह पर किस किस लोकेशन पर जो है वो फ्लड ज़्यादा देखने को मिले हैं और उसको चेक करते हुए इन फ्यूचर क्या जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है वो रिफॉर्म लाने हैं, किस प्रकार से पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो बनानी है जिससे कि हम लोग इन फ्यूचर फ्लड को कंट्रोल कर सकें. तो ये फ्लड को कंट्रोल करने के लिए ये फ्लड हजार्ड एटलेस जो है वो लॉन्च किया है ओडिशा के द्वारा, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्लियर पिक्चर मिल सके कि किस किस एरियाज पर फ्लड देखने को मिले हैं इतने सालों पर और किस किस एरिया में फ्लड की इंटेंसिटी क्या है, तो उसके बिहाफ पर वो एक प्रॉपर प्लान जो है वो बना सकें. तो इसके लिए ये फ्लड जो है वो इम्पॉर्टेंट, ये एटलेस जो है वो फ्लड हजार्ड एटलेस इम्पॉर्टेंट देखने को मिल रहा है. और अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में ज़्यादातर पूरे हर साल जो है वो ज़्यादातर फ्लड जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है और वो मेजर रिवर्स में देखने को मिलता है. और ये रिवर्स कौन सी है तो ये तो मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ आप ये रिवर्स के नाम याद रख लीजिएगा बिकॉज ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्स के नाम जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि ओडिशा में कौन सी रिवर है, या फिर ये रिवर्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं कि ये बताइए कि ये रिवर्स हैं इनमें से कौन सी रिवर्स ओडिशा में देखने को मिलती हैं, राइट. तो ये रिवर्स आपको बताना चाहिए, वो है महानदी, ब्रह्मानी, बैतरानी, सुबर्णरेखा, ऋषिकुल्या, और भी कई सारी रिवर्स हैं जैसे कि वमसा धारा और बुद्ध बलंगा. तो गाइज ये कुछ रिवर्स हैं जहां पर ज़्यादातर फ्लड जो है वो हर साल देखने को मिलते हैं और यही बात बताया जा रहा है कि जो इस स्टडी के थ्रू ये चीज़ सामने आई है और इस एटलेस के थ्रू फ्लड को कंट्रोल करने के मेजर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा लिए जाएंगे. गाइज अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रली कंट्रोल्ड एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में. तो गाइस देखो नाम से कैसे समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एयर ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करेगा, इतनी चीज़ तो हम लोग को क्लियर हो गई नाम से देखते सही थी कि एयर ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करने का ये एक सिस्टम देखने को मिल रहा है. तो ये सिस्टम क्या करेगा तो गाइस देख लेते हैं. तो गाइस बताया जा रहा है इट वुड इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स एंड एयर ट्रैफिक एजेंसीज. तो ये क्या करेगा, ये एक डेटा को जो है वो एक सिस्टम में एक साथ रखेगा. किस किस के डेटा को, एयरलाइंस के, कि एयरलाइंस के टाइमिंग्स जो है वो क्या क्या है वो डेटा. दूसरा एयरपोर्ट्स की कौन से एयरपोर्ट्स और वहाँ पर कौन से एयरप्लेन्स जो है वो लैंड होने वाले हैं और उस एयरपोर्ट में कितने प्लेन जो है वो रियल टाइम बेसिस पर ऑलरेडी लैंडेड है या फिर टेक ऑफ होने वाले हैं, तो ये उन डेटा को अपने पास रखेगा. सेकेंडली एयर ट्रैफिक एजेंसीज के डेटा को अपने पास रखेगा रियल टाइम बेसिस पर. तो एयर ट्रैफिक एजेंसीज क्या करती हैं, बताती हैं कि हवा में कौन से प्लेन किस डायरेक्शन पर उड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, राइट, कि उनका डायरेक्शन क्या है, उनका मूवमेंट क्या है. तो ये तीनों डेटा को एक साथ सबसे पहले तो इंटीग्रेट करेगा. उसके बाद क्या करेगा, इट विल इन्फॉर्म एयरलाइंस अबाउट द टाइम प्लेन्स विल बी पार्क्ड एट द डेस्टिनेशन एयरपोर्ट वेल बिफोर डिपार्चर. ये एयरलाइंस को इन्फॉर्म कर देगा, एयरलाइन कंपनी को,
क्योंकि एयरलाइंस के डेटा इनके पास होंगे तो उसको पता रहेगा कि कौन सी एयरलाइन जो है वो कितने बजे, कौन सी प्लेन जो है वो कितने बजे टेक ऑफ करने वाली है. तो ये बता देगा उस प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले ही उस पर्टिकुलर एयरलाइन को कि कितने बजे आपको अपने प्लेन को पार्क करना है अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर, यानी कि जिस एयरपोर्ट पर वो प्लेन जाने वाला है, जिस एयरपोर्ट के लिए उड़ान लेने वाला है ये प्लेन, यानी कि जिस पर्टिकुलर दूसरी जगह के लिए, यानी कि ए पॉइंट से ये प्लेन उड़ने वाला है और बी पॉइंट पे जाने वाला है. तो ये ए पॉइंट से उड़ने से पहले ही ये सिस्टम जो है वो एयरलाइंस कंपनीज को, यानी कि जैसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर स्पाइस जेट नाम की एक कंपनी जो है, जो कि एयरलाइन कंपनी जो जिसका प्लेन जो है वो उड़कर बी लोकेशन पर जाने वाला है, तो ये बी ए लोकेशन से उड़ने से पहले ही स्पाइस जेट को इन्फॉर्म कर देगा कि बी पॉइंट पर, यानी कि बी नाम के एयरपोर्ट जो है वहाँ पर आपके लिए इतने बजे जो है ये जगह खाली रहेगी. क्योंकि देखो होता क्या है, कई सारी एयरलाइन कंपनीज का नुकसान क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि कई कबार उनको जो है वो एयरपोर्ट पर पार्किंग नहीं मिल पाती, जिसके चलते उनको जो है वो हवा में काफ़ी समय तक उड़ना रहता है. अब हवा में उड़ना रहता है तो उसका मतलब उनका फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है काफ़ी समय तक. तो इसीलिए ये सब चीज़ें ना हो, तो इसलिए रियल टाइम बेसिस पर ये डेटा जो है वो इस प्रकार से काम करेगा. पहले ही बता देगा एयरलाइन कंपनी को कि आपको एयरपोर्ट पे इतने बजे पहुंचना है, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपके लिए जगह जो है वो इतने बजे खाली रहेगी. समझ रहे हो कि ये क्या काम करेगा? तो इसका ये काम रहेगा, पूरा का पूरा डेटा को ये इंटीग्रेट करके इस प्रकार से मैनेज करेगा. तो इसीलिए एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट जो है इसको बोला जा रहा है, सेंट्रली कंट्रोल एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम. एंड इट इज़ मेंट टू एड्रेस द बैलेंसिंग ऑफ कैपेसिटी अगेंस्ट द डिमांड टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेजर रिसोर्सेज सच एज एयरपोर्ट, एयर स्पेस एंड एयरक्राफ्ट एट एवरी इंडियन एयरपोर्ट वेयर देयर इज अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट. देखो कई सारे हमारे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहां पर क्या होता है दिल्ली के इस एयरपोर्ट में कि इतना ट्रैफिक रहता है, मुंबई के एयरपोर्ट पे इतना ट्रैफिक रहता है कि कई बार कई सारे प्लेन्स जो होते हैं उनको जो है वो काफी समय तक एयर स्पेस का उपयोग करना रहता है, हवा में उड़ते रहते हैं कई सारे प्लेन आसपास. द रीजन बीइंग उनको एयरपोर्ट पर जो है वो उनके डेस्टिनेशन पॉइंट पर, यानी कि उनके डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर उनको लोकेशन नहीं मिलती, पार्किंग नहीं मिलती पार्क करने की. तो इसीलिए ये बेटर तरीके से इसको इसलिए बनाया गया है कि बेहतर तरीके से हम लोग पूरी चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ और रिसोर्सेज जो है उसको भी बचा पाएँ. जिससे क्या होगा कि आज की डेट में फोकस यही किया जा रहा है कि एयरलाइंस की कॉस्ट जो है वो कम करी जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एयरलाइन जो है वो यूज़ कर सके. उड़ान स्कीम आपको पता होगा, उड़ान स्कीम के इनिशिएटिव, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, आपको पता होना चाहिए स्कीम के बारे में. अगर नहीं पता है तो पढ़िए इस स्कीम के बारे में, उड़े देश का आम नागरिक जो है वो क्या है उड़ान स्कीम. तो इस स्कीम के थ्रू यही फोकस किया जाता है कि लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा उड़े, और ये स्कीम जो है वो एयरपोर्ट बिल्डअप पर भी फोकस करती है कि कंट्री में ज़्यादा लोकेशन पर एयरपोर्ट्स हों. क्योंकि एयर ट्रैफिक को हम लोग आज के डेट में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट होना चाहिए, तो वो इसके लिए काम करेगा. एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली कंट्रोल्ड एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम अक्रॉस कंट्री एयर स्पेस एंड मेजर एयरपोर्ट्स, पर्टिकुलरली दोज विद हाई ट्रैफिक डेंसिटी इन इट्स बिड टू कट ट्रैवल टाइम फॉर फिलर्स. तो देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस प्रकार के सिस्टम को बनाने पर पूरा फोकस कर रही है, पूरा काम कर रही है कि जिसके थ्रू बेटर ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हम लोग यूटिलाइज कर पाएँ और लोगों का ट्रैवल टाइम जो है उसमें घटौती हो. क्योंकि ट्रैवल टाइम क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि कई सारे प्लेन्स जो होते हैं वो उनको ऊपर घूमना रहता है काफ़ी समय तक, और उससे उनका फ्यूल भी जो है वो जलता है, जो कि पूरी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि हाई ट्रैफिक डेंसिटी वाले जो एयरपोर्ट्स होते हैं तो उनमें ऑलरेडी एयरलाइन कंपनीज को पता लग जाए कि वहाँ पर इतने बजे जो है वो जगह खाली है, जो पार्किंग स्पेस खाली है, जिससे कि वो प्रॉपर उसी टाइम पर जाकर लैंडिंग करवा सकें अपने प्लेन की, है ना. तो ये इस प्रकार से काम करेगा ये. गाइस अब इस न्यूज़ की बात करें तो बताया जा रहा है कि जो कैलिफोर्निया और हवाई है जो पैसिफिक ओशियन में, उसके बीच में कुछ ऐसे फ्लोटिंग डिवाइस अभी इंस्टॉल किए गए हैं जो कि वहाँ से ओशियन से प्लास्टिक वेस्ट को हटाने का काम कर रहे हैं. कुछ ऐसे डिवाइस हैं, फ्लोटिंग डिवाइस, जो कि ओशन में मौजूदा जितने भी प्लास्टिक वेस्ट हैं उनको हटा रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं. और गाइज ये ओशियन क्लीनअप प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जिसके थ्रू ये डिवाइस जो है वो वहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, और ये सेकेंड टाइम हो रहा है. पहले भी इस प्रकार के डिवाइस कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में लगाए गए थे जिससे कि वहाँ से प्लास्टिक वेस्ट को हटाने का काम चल रहा था. और बताया जा रहा है ओशियन में एट प्रेजेंट 5 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट मौजूद है, और ऐसे एरियाज़ को सब ट्रॉपिकल गायर्स बोला जाता है, जो कि वर्ल्ड ओशियन गार्बेज पैचेस के नाम से भी जाने जाते हैं, सब ट्रॉपिकल गायर्स, राइट, वर्ल्ड ओशियन गार्बेज पैचेस. तो ये वाला टर्म भी जो है वो आप थोड़ा सा याद रखिएगा. सबसे ज़्यादा ओशियन में जो कचरा जो है वो इन्हीं पर्टिकुलर 5 एरियाज़ में है, जिनमें से हम लोग को कैलिफोर्निया और हवाई के बीच का एरिया भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ऐसे फ्लोटिंग डिवाइसेज लगाए गए हैं जो कि प्लास्टिक वेस्ट को कैच कर रहे हैं.
वहाँ से क्लीन अप कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट को. और गाइज इसके अलावा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्लीन अप, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा. ओशन क्लीन अप आपसे पूछा जा सकता है, ओशन क्लीन अप क्या है, तो ये एक एनजीओ है जो कि क्या काम करती है, जो कि ऐसे डिवाइसेस को, ऐसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिवाइस को बना रही है जो कि दुनिया भर के ओशियन से प्लास्टिक को हटा सके. दुनिया भर में जो ओशियन है वहाँ से प्लास्टिक को हटाने के लिए डिवाइसेस जो है वो ओशियन क्लीनअप नाम की एक एनजीओ के द्वारा बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं. और इसी ने इस प्रकार की फ्लोटिंग डिवाइस बनाई है जो कि प्लास्टिक वेस्ट को ओशियन से हटा रहे हैं, उसको क्लीनअप कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में. तो अब मैं आपको कैलिफोर्निया और हवाई की लोकेशन पर ले चलता हूँ. तो आप देखो ये पूरी दुनिया है, ये हमारा इंडिया हम लोग को देखने को मिल रहा है. आप ये देखिए, आप यहाँ पर यूएसए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट. तो यूएसए में ही इस तरफ हम लोग देखेंगे इस वाले रीजन पर. तो ये देखिए आप इस तरफ, ये ब्रॉडर मैप है यूएसए का. तो यहाँ पर हम लोग को ये कैलिफोर्निया देखने को मिल रहा है. तो ये कैलिफोर्निया की लोकेशन है, राइट. तो ये है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के इस तरफ बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे तो ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. ये इधर आ जाओ आप, ये सामने आ गए ये डॉट्स, ये यूएसए है और इस मैप में ये है. तो ये जो है ये हवाई की लोकेशन है, राइट. और हवाई हम लोग को वर्ल्ड मैप में कुछ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी यहाँ पर देखने को मिलता है ये वाली लोकेशन हवाई की, राइट. तो इस प्रकार की ये लोकेशन है हवाई की, क्योंकि ये देखो कनेक्टेड है ना ये आपस में, तो इसलिए ये वाला लोकेशन और ये वाली लोकेशन जो है ये इक्वली है हम लोग को देखने को मिल रही है. तो ये हवाई की लोकेशन है गाइस. तो हवाई आइलैंड है ये वाला आइलैंड यूएसए के जस्ट सामने, और धरती गोल है इसलिए इस तरफ हम लोग को देखने को मिलता है. कई सारे ऐसे वर्ल्ड मैप आपके घर में जो होंगे उसमें आपको हवाई की लोकेशन इस तरफ यहाँ पर इस वाली लोकेशन पर देखने को मिलेगी, राइट. जो फ्लैट मैप होता है ना जो चिपके होंगे आपकी दीवार में सामने, अगर नहीं है तो चिपका लो दीवार में. बार बार बोलता हूँ मैं हमारे रेगुलर व्यूअर्स को भी कि अगर दीवार में आपके जहाँ पर स्टडी टेबल है उसके सामने आपका एक वर्ल्ड मैप बड़ा सा होना चाहिए लगा हुआ. अगर नहीं है जिसके पास तो वो लगा लीजिए प्लीज़. अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं. तो बताया जा रहा है कि नेपालीज नेशनल्स रिक्वायर वीज़ा टू एंटर इंडिया वाया पाकिस्तान एंड चाइना. अगर कोई नेपाली जो नेशनल्स हैं, नेपाल के सिटीजन हैं, अगर वो पाकिस्तान और चाइना से इंडिया में एंटर कर रहे हैं तो उनको वीज़ा की आवश्यकता होगी, ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है, राइट. और इवन पाकिस्तान, चाइना, हांगकांग और मकाऊ, तो ये चार नेशंस से अगर कोई भी नेपाली नेशनल्स अगर एंटर करते हैं इंडिया में तो उनको वीज़ा जो है वो देना पड़ेगा. और बाकी आप जानती हैं कि नेपाल से अगर कोई इंडिया आता है तो उसको वीज़ा जो है वो नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड है, राइट. वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती. सेम विद अस ऑल्सो, वीज़ा फ्री है इंडिया से नेपाल जाने के लिए. और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी जहाँ पर इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा नहीं लगता है जाने के लिए. अगर आपको पता है कौन सी कंट्रीज़ हैं तो नीचे लिखिए, थाईलैंड को छोड़कर लिखिएगा तो काफ़ी लोग विजिट करते हैं थाईलैंड पे. तो बाकी बताइए कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जाने पे वीज़ा जो है वो नहीं लगता है, राइट, इंडियन सिटीजन्स के लिए. तो वैसे ही नेपाल से आने वाले जो लोग हैं यहाँ पर इंडिया में आते हैं उनको वीज़ा नहीं देना पड़ता. बट यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा, जो नेपाली नेशनल्स, नेपाली सिटीजन्स पाकिस्तान, चाइना, हांगकांग और मकाऊ से अगर इंडिया में एंटर होते हैं तो उनको जो है वो वीज़ा दिखाना पड़ेगा. और ये नेपाली एम्बेसी इन न्यू दिल्ली के द्वारा ये नोटिस इशू किया गया है. और सिमिलरली नेपाली नेशनल्स जो हैं अगर वो गल्फ कंट्री में जा रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, गल्फ कंट्री जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनन, तो ये गल्फ कंट्रीज़ में जाने के लिए उनको नेपाली सिटीजन्स को उस पर्टिकुलर जो कंट्री के अंदर जो नेपाली एम्बेसी है, यानी कि अगर सऊदी अरेबिया में अगर कोई नेपाली सिटीजन जा रहा है तो सऊदी अरेबिया में स्थित जो नेपाली एम्बेसीज होंगी तो वहाँ से उनको नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेशन जो है वो हासिल करना पड़ेगा और उसी के बाद ही फिर नेपाली नेशनल जो है उस कंट्री में विजिट कर पाएंगे. तो गल्फ कंट्री में ट्रैवल करने वाले जो नेपाली नेशनल्स हैं उनको भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो एक्वायर करने पड़ेंगे नेपाली एम्बेसी से, जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री में, गल्फ कंट्री में मौजूद होगी, वो उनको प्रोवाइड कराएगी. समझ में आया? तो ये दो चीज़ जो है ये वाली आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा. अब ये काफ़ी शानदार एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है वुमेन एम्पावरमेंट इन न्यू इंडिया. तो गाइस ये एडिटोरियल में कई सारे आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसको आप मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे से यूज़ कर पाओगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अच्छा एडिटोरियल है ये. और इसको, इसके जितने भी फैक्ट्स वगैरह हैं, फिगर्स हैं, वो आप नोट डाउन करते जाइएगा, बिकॉज ये फैक्ट्स फिगर्स आपके मेंस में बहुत काम के आने वाले हैं. तो देख लेते हैं गाइस कि एडिटर जो है वो क्या बोल रहे हैं. तो एडिटर का कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो आज की डेट में इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का प्लान कर रही है, नए भारत को, न्यू इंडिया को बनाने का काम कर रही है. एडिटर फोकस कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं उसमें गवर्नमेंट जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को इग्नोर ना करे, वुमेन एम्पावरमेंट को बल्कि टॉप प्रायोरिटी में रखाएं. क्योंकि गाइस बताया ये जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन 17th लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा है. एज अ वोटर 50% वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है एज अ वोटर. और प्लस इसमें भी बताया जा रहा है करीब 2 करोड़ महिला ऐसी हैं, 20 मिलियन वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम मिसिंग है, उनका नाम नहीं है. यानी कि अगर
हम लोग इस इन दोनों चीज़ों को क्लब करें, यानी कि 20 मिलियन वुमेन जो है, यानी कि 2 करोड़ महिला जो है जिन्होंने बोला है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, यानी कि उन्होंने वोट नहीं दिया है, बट इस फिगर को देखते हुए, इनके क्लेम को देखते हुए हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि इनको जो है वो और वोट देना है, यानी कि इनको वोट देना है, ये इच्छुक हैं वोट देने के लिए। तो अगर हम लोग 50% प्लस 20 मिलियन को अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं ये स्कोर जो है वो ऊपर हो गया मेन से, मेल पार्टिसिपेशन से। और गाइस इसके अलावा 17th लोकसभा इलेक्शन में ना ही सिर्फ हाईएस्ट टैली ऑफ वुमेन्स हम लोग को वोटर्स में देखने को मिला, यानी कि 50% से ज़्यादा वोटर्स जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस बार, और इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वुमेन्स का एज अ वोटर। बट वहीं अगर हम लोग बात करें एक्चुअल में जो पार्टिसिपेशन होता है या फिर वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें लोकसभा में, तो 543 मेंबर्स में से मात्र 78 मेंबर्स हम लोग को वुमेन देखने को मिली हैं, एज अ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिली है, यानी कि 14 या फिर इसको 15% भी बोल सकते हैं, 15% वुमेन का कंट्रीब्यूशन हम लोग को एज अ रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिला है पॉलिटिकल फील्ड में। बट वहीं अगर हम लोग इसकी बात करें, एक्चुअल रेट की बात करें, जो मार्जिनल रेट होना चाहिए वुमेन पार्टिसिपेशन का पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर में, वो 33% बताया जा रहा है। और स्टडी के थ्रू ये भी पाया गया है कि जिस रेट में हम लोग वुमेन्स का पार्टिसिपेशन का रेट जो है जिस तरीके से वो इंक्रीज़ हो रहा है, आने वाले समय में अगर 33% यानी कि इस मार्जिनल टारगेट को, यानी कि मिनिमम टारगेट जो है उसको अचीव करने के लिए अगले 40 साल लग जाएंगे, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी कि अगर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन वोटर्स एज अ वोटर काफ़ी ज़्यादा है बट एज अ रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी कम है, राइट, ओनली 14%। और जो नॉर्मल रेट होना चाहिए, मिनिमम रेट जो होना चाहिए, वो 33% होना चाहिए, और इस 33% को अचीव करने के लिए इट विल टेक 40 ईयर्स मोर, जिस रेट में हम लोग आज की रेट में अचीव कर रहे हैं उस रेट के हिसाब से 40 साल और लग जाएंगे। तो दैट इज़ द इशू। तो ये इशू क्या समझ में आया आपको, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वेयर इज़ द लूप होल, क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है? ये आ रहा है ना कि वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि वुमेन जो है वो एज अ वोटर तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है बट एज अ रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी कम है, बिकॉज कहीं ना कहीं वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। मे बी शायद इन पॉलिटिकल फील्ड ऑल्सो, पॉलिटिकल फील्ड में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मैं कह सकता हूँ ऐसा बिल्कुल, क्योंकि वुमेन जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव दिख रही हैं, वो एज अ वोटर दे आर वेरी एक्टिव, बट एज अ रिप्रेजेंटेटिव हम लोग देख रहे हैं काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं से पे, क्योंकि देखो अगर आप 33% पार्टिसिपेशन की भी बात करो तो इसमें भी इसको लागू करने के लिए भी, अगर आपने एनसीईआरटी की 9th या 10th क्लास की पॉलिटी की बुक को पढ़ा होगा तो उसमें ये मेंशन है बकायदा कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी 33% पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए वुमेन का उसको लेकर, और इवन वुमेन रिजर्वेशन बिल तक पास नहीं हो पा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी इज द मेजर इशू, मेजर कारण अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू एडिटर, एडिटर ने ये वाली चीज़ नहीं लिखी है, बट हाँ हम लोग इस प्रकार से रिजल्ट बना सकते हैं कि सोसाइटी में एक मेजर प्रॉब्लम है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पहले खत्म करना पड़ेगा इफ़ वी वॉन्ट वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, इक्वल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन एज वेल एज मैन ऑल्सो, मैन टू। क्योंकि देखो वर्कफोर्स की अगर बात करें तो वर्कफोर्स देखो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, रिलेट करो आप, समझ में क्या आ रहा है? वुमेन जो है वो ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रही हैं, उनका पार्टिसिपेशन एज अ वोटर बट एज अ रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी कम है, यानी कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है और इसको हम लोग को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हो पाता है, वुमेन जो है वो क्यों काम नहीं कर पा रही हैं बाहर आकर, द रीज़न बीइंग इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दैट इज़ द मेजर इशू, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब देखो आप रिलेट करो पूरी चीज़ों को, अब हम लोग अगर पॉलिटिकल सिनेरियो को भी छोड़ दें और सिर्फ अगर हम लोग वुमेन के वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पर फोकस करें तो गाइस देखो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं वुमेन को, वुमेन इच्छुक हैं काम करने के लिए बट वो काम नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें ऑफिस की, तो ऑफिस में वुमेन को हरास किया जाता है और इवन उनको इक्वल पे नहीं दिया जाता, उनके साथ वो भी प्रॉब्लम है, मेल को जो है वो ज़्यादा पैसे मिलते हैं फॉर द सेम टास्क, फॉर द सेम वर्क, और वहीं वुमेन को जो है वो कम पैसे मिलते हैं, लेस मिलते हैं। तो इस प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इकोनॉमिक वाइज भी, राइट। तीसरी चीज़, एक तो वुमेन ऑफिस में हरास की जाती हैं, उनको हरास किया जाता है, और कई सारे ऐसे केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं जहाँ पर #MeToo मूवमेंट के थ्रू आपके सामने आई थी चीज़ें, #MeToo मूवमेंट में आपने देखा था कई सारी पिछले सालों में वर्कफोर्स में, यानी कि ऑफिस के अंदर वुमेन के साथ बदसलूकी की गई, उनको हरास किया गया, इवन कई सारे क्राइम्स भी हम लोग को देखने को मिले लाइक रेप ऑल्सो, राइट। और इसके अलावा तीसरी चीज़, वुमेन जो है क्यों ऑफिस नहीं जा रही हैं, क्यों एज अ अपने आप को वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं इकोनॉमी के, इंडिया के, द रीज़न बीइंग इज सिक्योरिटी। वुमेन जो है अपने घर से निकलती है बाहर और उसके बाद वो स्ट्रीट में जाते हुए अपने ऑफिस तक पहुंचती है, तो उस स्ट्रीट में दे आर नॉट सेफ, दैट इज़ अगेन वन इंपॉर्टेंट इशू। कई सारे लोग हैं ऐसे क्रिमिनल्स जो कि इनसिक्योर फील कराते हैं उनको, तो दे आर नॉट सिक्योर इन स्ट्रीट,
इसके अलावा बात करें दूसरी भी और ट्रांसपोर्टेशन की भी, ट्रांसपोर्ट में भी अगर गाड़ियों में की भी बात करें तो गाड़ी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी उनको जो है वो इनसिक्योर रहती है, वो उनको कई सारे लोग हरास करते हैं, इस प्रकार के क्रिमिनल्स माइंडेड लोग रहते हैं, तो ये वाला भी एक मेजर इशू है। तो ये चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है। तो इस प्रकार की जो इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है वुमेन के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको ख़त्म करने पर फोकस करना चाहिए। अगर उसको ख़त्म किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो इक्वल होने लगेगा। तो ये इनसिक्योरिटी ख़त्म कैसे हो सकती है, दैट इज़ द थिंग, कैसे हो सकती है, लॉ को बढ़ाकर, है ना, ये सब हमारे दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी को बढ़ा दे, ऐसे कानून जो है वो उसको बना दे स्ट्रिक्ट कानून, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। बट गाइस अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी इज़ द मेजर कारण, मेजर जो रीज़न है वो है सोसाइटी। हम लोग देखते हैं कि किसी महिला के खिलाफ जो है वो अत्याचार होता है तो उसमें क्या होता है, सोसाइटी जो है, अगर कोई देख रहा है कि किसी वुमेन के साथ बदसलूकी की जा रही है ऑन स्ट्रीट ऑन रोड, तब क्या हो रहा है, आसपास जो लोग बाग मौजूद हैं, बिकॉज पब्लिक एरिया में ये सब चीज़ें होती हैं, आसपास जो लोग बाग मौजूद हैं वो क्या करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी के साथ बदसलूकी हो रही है तो वो एक्शन लेने की जगह वो अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट, सोसाइटी इज़ द मेजर पॉइंट। अगर सोसाइटी हमारी एक्टिव हो जाए, अगर सोसाइटी तुरंत उसके ऊपर खिलाफ एक्शन ले, चलो ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई जा रहा है रस्ते पे और उसने देखा किसी वुमेन के साथ जो है वो बदसलूकी हो रही है, चार पांच लोग उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो वो अपने रास्ता चेंज करने की जगह अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर 100 नंबर पर क्यों नहीं डायल कर सकता। ठीक है यार, वो कमज़ोर इंसान है, वो वहाँ पर जाकर चार लोग से नहीं लड़ सकता, बट एटलीस्ट ही और शी कैन कॉल। तो यहाँ अपनी सोसाइटी जो है वो एक मेजर कारण मुझे लगता है कि ऐसा होता है। अगर हमारी वुमेन जो है वो इनसिक्योर है यहाँ पर एनवायरनमेंट में, बाहर सोसाइटी में, तो वो उसका कारण ही सोसाइटी है, बिकॉज हमारी सोसाइटी इग्नोर कर देती है ऐसी एक्ट्स को। हमारी सोसाइटी को अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। ऐसे एलिमेंट्स जो है बैड एलिमेंट्स, जो इस प्रकार के लोग जो हैं जो कि इस प्रकार का क्राइम करते हैं, वुमेन को इनसिक्योर फील कराते हैं, तो उनके खिलाफ लड़ना चाहिए और ये सोसाइटी ही पॉसिबल कर पाएगी। और देखिए, अगर आप ऑफिस की अगर आप बात करो, वर्क प्लेसेस की बात करो, तो वर्क प्लेसेस में दूसरे लोग भी तो होते हैं, कई सारे लोग होते हैं। अगर किसी के साथ जो है वो अत्याचार हो रहा है, किसी महिला के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई उनको जो है वो इनसिक्योर फील करा रहा है, हरास कर रहा है उनको, तो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उस पर्टिकुलर ऑफिस में, क्या वो एक्शन नहीं ले सकते? ले सकते हैं बिल्कुल, बट वो नहीं लेना चाहते बिकॉज दे आर इग्नोरिंग। तो अगर हमारी सोसाइटी ही अगर अपनी वॉइस को रेज करे, इस प्रकार के बैड एलिमेंट्स जो, इस प्रकार के लोग जो हैं, जो क्रिमिनल्स जो हैं, उनके खिलाफ लड़ना खुद ब खुद शुरू करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा एनवायरनमेंट जो है वो वुमेन के लिए काफ़ी सेफ हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर की भी इवन, और लॉ एंड ऑर्डर जब भी काम करते, लॉ एंड ऑर्डर तो आज भी है, पुलिस तो आज भी है ना, बट पुलिस तक बात क्यों लेट पहुँच रही? बिकॉज हमारे यहाँ की सोसाइटी इग्नोर कर रही है। अगर सोसाइटी देखे सामने, अगर कोई लोग बात चलते हुए आ रहे हैं, अगर वो देखें किसी के साथ बुरी हरकत हो रही है, तो दे कैन जस्ट कॉल 100 इफ दे कैन नॉट फाइट। मैं नहीं कहता कि आप जाओ वहाँ पे फाइट करो, बट एटलीस्ट यू शुड कॉल। तो ये वाली चीज़ यहाँ एक मेजर इग्नोरेंस मुझे लगता है ऐसा कि ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में, दैट्स वाई सच काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, राइट? तो ये वाली बात यहाँ पर एडिटर के द्वारा बताई जा रही है। तो यही बोला गया है कि हम लोग को वुमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा न्यू इंडिया जो है वो डेवलप हो पाएगा। अगर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, अगर वुमेन्स सेफ फील करेंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि दे विल गो टू ऑफिस एंड दे विल वर्क। और अगर वो ऑफिस जाएंगी, काम करेंगी, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ होगी, पॉवर्टी वगैरह जो इश्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, जब सबकी पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो इक्वलेंट काम करेगी, मेल और फीमेल दोनों एक साथ काम करेंगे वर्कफोर्स में। बट हमारे यहाँ क्या होता है, वुमेन जो है वो सेफ नहीं है, और उसकी गलती जो है वो गवर्नमेंट की भी नहीं, गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन लॉ बनाए हुए, बट हमारी सोसाइटी जो, मुझे ऐसा लगता है कि एक मेजर कारण है इसका, राइट? तो यही बोला जा रहा है एडिटर के द्वारा कि 21st century न्यू इंडिया जो है उसके लिए वुमेन लीडर्स जो हैं उनको बनाना पड़ेगा। अगर वुमेन लीडर्स बनेंगी तब ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ प्रोग्रेस हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का टारगेट है $5 trillion इकोनॉमी को अचीव करना, वो तभी हो पाएगा जब मेल और फीमेल दोनों साथ में मिलकर एक साथ काम करें, जब वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़े। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी जो है वो जनरेट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट? तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा ना। और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी, दैट इज अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग। ये वाली चीज़ भी लिखिएगा, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज होगी, जब हमारी पूरी इक्विवेलेंट जो हमारी फोर्स जो है, वर्क फोर्स पॉपुलेशन जो है वो काम करेगी, तब ऑटोमेटिकली होगा वर्क पार्टिसिपेशन जब ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलेगा, जेंडर गैप जब कम हो जाएगा, राइट, क्लोज हो जाएगा। और यहीं मैकिन्से के द्वारा भी एस्टिमेट यही लगाया गया है कि 2025 तक हमारी इकोनॉमी में $770 बिलियन
ऐड हो सकेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी में जब हमारे यहाँ वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का वो इक्वलेंट रहेगा, तब ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो पाएगी हमारे यहाँ. 770 बिलियन डॉलर्स हम लोग इंक्रीज़ कर पाएंगे ऑटोमेटिकली सिर्फ ये सब चीज़ों को देखते हुए. यानी कि अगर वुमेन को अगर प्रॉपर सिक्योरिटी मिल जाए, प्रॉपर डिग्निटी मिल जाए, उनका जेंडर गैप जो है वो ख़त्म हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इकोनॉमी जो है वो 770 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी 2025 तक बिना कुछ किए. यानी कि बिना अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करोगे किसी और चीज़ों में, सिर्फ आप वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन पर ध्यान दे दोगे, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट अगर आप कर दोगे, वुमेन को सेफ फील करा दोगे कि जैसे कि थ्रू वो ऑफिस चली आए, अपना काम कर सकें, इक्विवेलेंट उनको सैलरी मिल सके, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो ये पूरी ओवरऑल फैक्टर्स अगर आप हम लोग अचीव कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इंडियन इकोनॉमी जो है वो अचीव हो जाएगी. 770 बिलियन डॉलर्स ऐड हो जाएंगे बिना कुछ किए, यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना कोई दूसरे डायरेक्शन में देखें. तो सिर्फ इतनी सी चीज़ करने से अगर ये पॉसिबिलिटी हो पा रही, तो ऑटोमेटिकली हम लोग अपना 5 ट्रिलियन डॉलर्स का टारगेट भी अचीव कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. तो इसलिए बोला गया है कि नया इंडिया कैनॉट बी बिल्ड अनलेस वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई. नया इंडिया नहीं बन पाएगा जब तक वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगी, वुमेन को एम्पावरमेंट नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा. समझ में आ रहा है? तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है गाइस. इसके अलावा एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ यहाँ पर बताई गई है, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ वुमेन जो है, चलो बाहर तो ठीक है अनसेफ है, बट यस देर आर केसेस कि जहाँ वुमेन जो है वो घर के अंदर ही इनसिक्योर हो गई हैं, घर के अंदर ही. वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग्स बिकॉज ऑफ सच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ पोर्नोग्राफी. वुमेन जो है वो घर के अंदर ही सेफ नहीं है. हम लोग देख रहे हैं कि वुमेन्स पर्सनल और बॉडीली इंटीग्रेटेड जो हो रही हैं वो उनको थ्रेट हो रहा है वो घर के अंदर ही हो रहा है. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि फादर, ब्रदर, सन, नेबर्स एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेंजर्स ऑल्सो, दे आर टर्निंग इनटू प्रीडेटर्स, शिकारियों की तरह ये बन चुके हैं वुमेन के लिए, अनसेफ हो गए. कई सारे हम लोग केसेस देख रहे हैं कि किसी फादर ने अपनी बेटी के साथ ही, बच्ची के साथ ही. तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी. गवर्नमेंट ने टॉयलेट्स बनवा दिए घर में जैसे कि महिला जो है वो बाहर ना जाए, और क्योंकि बाहर जाती हैं तो उनके साथ गलत काम होते हैं, इस प्रकार की हरासमेंट उनको झेलनी पड़ती है, तो इसलिए घर के अंदर टॉयलेट्स बने. बट देन टू घर के अंदर ही ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ. तो ये कहीं ना कहीं तो ये एथिक्स का मतलब वो वाला रोल भी सामने आ रहा है लोगों की. पता नहीं क्या ह्यूमैनिटी को क्या हो गया, लोगों के सोच विचार को पता नहीं क्या हो गया. तो ऐसी चीज़ें भी, ये एक बहुत मेजर चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है. अगर आप इसको गौर फरमाएं, ध्यान से देखें, तो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग गाइज. तो गाइज ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, सोसाइटी को डेवलप करवाने की, सोसाइटी जो है वो मिलकर जो है वो वुमेन के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके. बिकॉज अगर सोसाइटी अपनी वॉइस रेज करेगी तो ऑटोमेटिकली ये सब एक्टिविटी जो है वो नहीं होने वाली, चाहे वो वर्क प्लेस हो या कोई भी पब्लिक प्लेस हो. अगर सोसाइटी खड़ी हो जाएगी वो वुमेन को सेव करने के लिए, बट हमारे यहाँ सोसाइटी इग्नोर कर देती, तो ये एक लूप होल है. तो ये आप लिख सकते हैं. दूसरी चीज़, और कैसे ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है गाइस, वो अच्छे लॉज, अच्छे स्ट्रिक्ट कानून जो है वो लेकर आए. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी रेपिस्ट है वो क्राइम करने के बाद जो है फिर वो उसको बेल मिल गई, मस्त घूम रहा है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए. एग्जीक्यूशन होना चाहिए. पता नहीं क्यों मेरी बात सुनकर आपको शायद थोड़ा सा कई सारे लोगों को अच्छा ना लगे, वो ह्यूमन राइट्स वाली बात करने लगे, बट मेरे हिसाब से गाइस, मुझे पता है इस मामले में अरेबियन कंट्रीज़ के जो लॉज होते हैं ना वो काफ़ी पसंद है, कि जिस भी पर्टिकुलर इंसान ने ऐसे जो हीनियस क्राइम किए हैं, रेप वगैरह, उनको ओपन एग्जीक्यूट किया जाए, ओपनली उनको सबके सामने मार दिया जाए, और बेदर्दी वाली मौत फिर, कि जिससे उनको देखकर दूसरे लोग जो हैं वो करने की बिना सोचे. क्यों अरेबियन कंट्रीज़ में इतना क्राइम कम है? द रीज़न बीइंग ऑफ देयर लॉज. हालांकि चलो ठीक है, उनका लॉ थोड़ा ख़राब है, बट अगर हम लोग ऐसी इस प्रकार की चीज़ हैं, रेपिस वगैरह को अगर हम लोग खुला छोड़ दें, तो ऑब्वियस ही बात है कि दूसरे लोगों को जो है पनाह मिलेगी, दूसरे लोगों को और मिलेगा, इस प्रकार के क्रिमिनल माइंडेड लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा कि चलो ठीक है यार, ये बच गया तो हम भी बच सकते हैं. ऐसे ही हो रहा है हमारी इसमें इंडिया में. क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज लॉज उतने एफिशिएंट नहीं है. अगर लॉज अच्छे बना दिए जाएँ, बट ऐसा होगा नहीं, ह्यूमन राइट्स वाले सामने आ जाएंगे और कई सारे लोग इसके को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे. बट पर्सनली जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि जो अरेबियन लॉ जो हम लोग देखते हैं अरब कंट्रीज़ के, जिसमें ओपन एग्जीक्यूशन डायरेक्ट होता है कि अगर किसी ने रेप किया तो उसको बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर मार दिया जाएगा, तो ऐसे ही इंडिया में होना चाहिए. अगर ऐसा हो गया तो यस, डेफिनेटली कई सारे ऐसे वुमेन के खिलाफ केसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे. अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है. आपका क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा गाइस. तो यही वाली बात बोली गई है कि वुमेन का इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वुमेन जो है वो एज अ लीडर करेंगी, सामने आएंगी
वर्कफोर्स में उनका पार्टिसिपेशन होगा तो ऑटोमेटिकली एक वुमेन जो है वो दूसरी मतलब वुमेन्स के लिए एक बेहतर लॉ जो है वो क्रिएट कर पाएंगी. इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स वगैरह में जो वुमेन्स पार्टिसिपेशन जो है वो इतना कम है, और इवन दूसरे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के वहाँ पर भी वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है वुमेन का. तो वो रीज़न इसलिए है बिकॉज दे आर नॉट सेफ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑफिस तक जाना है तो ऑफिस घर से बाहर निकलने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. इवन आज की डेट में भी कई सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को दूसरी सिटी में नहीं भेजते पढ़ने के लिए, फीमेल चाइल्ड को. द रीज़न बीइंग दे नो कि एनवायरमेंट इज़ नॉट सेफ बिकॉज हमारी सोसाइटी उस एनवायरमेंट को सेफ नहीं रखती है. तो दैट आर द सम ऑफ द इशूज़ गाइज. और वुमेन राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं बेसिकली. तो इसीलिए वुमेन को एम्पावर करने की आवश्यकता है. अगर वुमेन को एम्पावर कर दिया तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी एम्पावरमेंट भी हम लोग को देखने को मिलेगा, इकोनॉमी भी हमारी बूस्ट होगी. सो गाइज बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए गाइज. और इसके अलावा इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पेड कोर्सेज को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज की, और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल पूरा दिया जाता है, प्लस टेस्ट वहाँ पर कंडक्ट होते हैं मतलब समय समय पर. और इसके अलावा हमारे फ्री ग्रुप्स भी हैं टेलीग्राम के जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये इसकी लिंक यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलता है और फ्री वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी मिल जाती है. और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए गाइस तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर के लिए ही अवेलेबल होती है. तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा.